आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन जीपीएस लेते हैं या किसी से भी लेते हैं या खुद चेक करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप अपने जीपीएस को अगर चेक करते हैं, आपका मान लो जीपीएस नहीं चलता है और आप उसको चेक करने बैठते हैं, तो सबसे बेसिक तरीका है चेक करने का वो ये है कि पहले तो आपके पास ये जीपीएस आता है इस तरीके से। ये जीपीएस है आपका, ये इसकी वायरिंग है, इस तरीके से वायरिंग होती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी पहले से लगा है और नहीं चल रहा है, तो उसको भी चेक करने का तरीका यही है। आप अंदर हो सकता है किसी कारण से कहीं करंट ना आ रहा हो जहां पहले आ रहा हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आप बैटरी पे लगाइए इसको, ब्लैक को बॉडी अर्थ पे लगाइए। बॉडी अर्थ आपका ये रहा, ये आपका बॉडी अर्थ है, ये माइनस है, देख लीजिएगा माइनस लिखा होगा उस पर बॉडी अर्थ लगेगा, ये आपका बॉडी अर्थ। इस तरीके से हम लगा देंगे इसको, या इसको यहां पे कहीं लगा देंगे इसको, ये हमने बॉडी अर्थ लगा दिया है, ये आपका माइनस है, ये जिसमें रेड होता है वो प्लस होता है, इसमें ज्यादा वायर जाती है आपकी। अब हर जीपीएस में रेड होता है एक, रेड और उसके साथ में ग्रीन होगा, व्हाइट होगा या ऑरेंज होगा, उनको हम एक साथ लगा लेंगे। येलो वायर होगा उसका कोई काम नहीं है अभी, इसको अलग छोड़ देंगे, इसको हम एक साथ लगा के यहाँ पे कर देंगे इसको। ये हमने लगा दिया है, अब हम देखेंगे जीपीएस में लाइट आई है या नहीं आई है। इसका ढक्कन खोल लेंगे, जीपीएस में लाइट आ चुकी है। अब सेकंड स्टेप है हमारा ये चेक करने का कि ये ऑन है अभी आपका, ठीक है, ये ऑन पे आपकी लाइट जल रही है, सब कुछ ओके है, अभी करंट आ रहा है इसमें। अब हम इसको इससे निकालेंगे, ये एक्चुअली इंटरनल बैटरी पे अभी चल रहा है, ठीक है, ये इंटरनल बैटरी पे है, अभी हम इसको ऑफ कर लेंगे, ऑफ करने के बाद लगाएंगे इसको। ऑफ करने के बाद अगर रेड लाइट जलती है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका इसमें करंट आ रहा है, ये देख लीजिए जल गई, मतलब इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है। अगर मान लीजिए ऑफ करने के बाद इसमें करंट नहीं आता है, ये नहीं जलती है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेड को और इस ब्लैक को स्प्लाइस करेंगे हल्का सा इससे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ये जो कपलर होता है ना, इसके अंदर ये पीवीसी दबा रह जाता है, अंदर जो है आपका ये वायर खिंच जाता है, तो उससे क्या होता है ये निकल जाता है आपका, मतलब के अंदर से ये जो आपका कॉपर का वायर है वो इसमें टच नहीं होता है, मतलब प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनता है, वायर प्रॉपर टच नहीं होता है, और बीच में एक फ्यूज भी होता है, आप फ्यूज को भी चेक कर लीजिए, फ्यूज ओके है अभी हमारा। अब सेकंड स्टेप है हमारा, पहले तो आप वैसे पहले तो आप मीटर ले लीजिए, उसको 12-20 पे कर लीजिए, सिंगल बैटरी है, रेड को यहाँ पे लगाएंगे, ब्लैक को सबसे नीचे लगाएंगे, और हम मीटर से चेक करते हैं आपका प्लस माइनस, ये देख लीजिए 12.62 वोल्ट आ रहा है, 63 वोल्ट आ रहा है। अब हम जीपीएस में मान लीजिए अभी भी आपकी लाइट नहीं आई है, वैसे मेरे में तो आ गई है लाइट, अगर अभी भी नहीं आई है और यहाँ से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है इस जगह पे, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको, हम हल्का सा स्प्लाइस कर लेंगे इसको, बिल्कुल हल्का सा बारीक सा, ये ब्लैक और रेड ये दोनों स्प्लाइस कर लेंगे, ये देखिए स्प्लाइस कर लिया। ये हर जीपीएस में काम करेगा आपका ये तरीका, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 12.60, मतलब प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, इसके अंदर तक जा रही है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर फिर भी हमारा जीपीएस ऑफ पे रेड लाइट नहीं जलती है, तो समझ लीजिए जीपीएस में कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो हो सकता है आपका यहाँ इतना अगर ठीक है ना आपका, ये 12 वोल्ट है, मतलब इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, अब जीपीएस में कोई प्रॉब्लम होगी,
और सेकंड चीज है आप इसकी जो सिम है इसके अंदर लगती है उसको अपने फोन में डालकर उसको चेक कर लीजिए, इसमें टावर आ रहे नहीं आ रहे हैं, एसएमएस आ रहा है या नहीं जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, मतलब पहले सिम चेक करिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऑन करके सिम डाल के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रख दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेता है ये जीपीएस ऑनलाइन आने में, कोई भी जीपीएस हो थोड़ा सा टाइम लेता है ऑनलाइन आने में, थोड़ा वेट कर लीजिए और आपका ये ऑनलाइन आ जाएगा। ऑफ है, ऑफ था ये, अभी ये ऑन कर लीजिए पहले इसको। और कुछ जीपीएस में क्या होता है, सिम डालने से ही जीपीएस ऑन ऑफ होता है, मतलब सिम निकाल लेंगे ऑफ हो जाएगा, सिम डालते ऑन हो जाएगा, तो ऐसे भी जीपीएस आते हैं किसी में, और ज्यादातर तो बटन्स होते हैं। तो ये तरीका है आपका इसको चेक करने का, सबसे आसान तरीका है आप तार को स्प्लाइस करके अगर करंट नहीं आ रहा है तब ये काम करिए आप। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जीपीएस से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी तो आप हमारा चैनल उठा के देख सकते हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जीपीएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये कैसे रेक्टिफाई करना है कि आपका जीपीएस खराब है या क्या खराब है। थैंक यू दोस्तों, और आप अगर जीपीएस एप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको बल्क इंक्वायरी है तो आप डायरेक्ट हमसे परचेज कर सकते हैं। और अगर जीपीएस पे टेग्नोटेक लिखा है, ये जो लोगो है ये ओरिजिनलिटी का साइन है जीपीएस।